अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट कैफेटेरिया का पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आएगा मास्टर, जिसमें आता है ग्रुप ऑफ अकाउंट, टाइटल ऑफ अकाउंट, कैटेगरी और आइटम प्रोफाइल। सबसे पहले अगर हम ग्रुप ऑफ अकाउंट को समझें तो हमारे पास यहाँ पर ग्रुपिंग आ जाती है कि हमने सप्लायर्स, पेएबल, रिसीवेबल, ये कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो कि हमने बनाने हैं। जैसे कैश और बैंक का अगर अकाउंट है तो वो बनेगा 01 के अंदर। अगर हम पेएबल अकाउंट की बात करें तो वो बनेगा 04 के अंदर। अगर हम रिसीवेबल अकाउंट्स की बात करें तो वो बनेंगे 05 के अंदर। यानी कि सप्लायर्स हमारे पेएबल हैं वो 04 में, कस्टमर्स हमारे रिसीवेबल हैं वो 05 के अंदर, एक्सपेंसेस हमारे बनेंगे 98 के अंदर और बैंक अकाउंट बनेंगे 01 ग्रुप के अंदर। इन ग्रुप्स को नोट करते हुए हमने रिटर्न बैक कर देना है, मास्टर में आना है, टाइटल ऑफ अकाउंट के अंदर ऐड बटन प्रेस करना है और उन ग्रुप्स को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे अकाउंट्स बनाने हैं। अगर हम 04 ग्रुप ले रहे हैं इसका मतलब हम इसके अंदर सप्लायर ऐड कर रहे हैं। 001 से ये कोड स्टार्ट होगा, 001, 002, 003 ऐसे कोड फिर आगे कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। तो जो भी कोड हमारा खाली होगा वो कोड हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम आगे पार्टी का नेम दे देंगे, कौन सी पार्टी है, स्मार्ट ट्रेडर्स ये सप्लायर है, साहिवाल का है, उसका नीचे फ़ोन नंबर दे देंगे। इंटर इंटर करके नीचे हम आएंगे, माउस का यूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में हम ये बताएंगे कि पैसे लेने हैं या देने हैं। अगर देने हैं तो वो क्रेडिट में लिखेंगे, अगर लेने होंगे तो वो डेबिट में लिखेंगे। तो ये सेव करके ऐसे आपका एक अकाउंट ऐड हो गया स्मार्ट ट्रेडर्स के नाम पे आपका सप्लायर। अगर कस्टमर ऐड करना है तो 0501 से स्टार्ट करेंगे, इसमें तीन अकाउंट हमारे ऑलरेडी बने हुए थे तो ऐड करके 0504 से कस्टमर का नेम ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल नुमान टीचर है, या जो भी हमारा नुमान कस्टमर का नेम है उसका नेम लिख के उसका एड्रेस लिखेंगे, उसका फ़ोन नंबर वगैरह लिख देंगे और इंटर करके नीचे आएंगे। ओपनिंग बैलेंस जो उससे लेने वाला है प्रीवियसली वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमने इससे 4000 रुपया लेना है। तो ये आपका कस्टमर का अकाउंट बन गया क्योंकि हमने ग्रुप यूज़ किया 05 का। अगर बैंक अकाउंट बनाना है तो 01 ग्रुप यूज करेंगे, उसमें भी 001 से हमारे अकाउंट स्टार्ट होंगे। पहला अकाउंट हम बना देंगे एमसीबी बैंक, अलाइड बैंक, जो भी आपका बैंक है, बैंक का नेम लिखें, साथ में A/C लिख के उसका अकाउंट नंबर लिख लें। इंटर करके जो भी बैंक में आपका बैलेंस पड़ा है वो डेबिट के अंदर लिख के सेव कर दें। और इसी तरीके से अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो 98 ग्रुप होता है एक्सपेंसेस का, 001 से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास ऑलरेडी 11 एक्सपेंसेस बने हुए हैं, फ्यूल का, टेलीफोन का, इलेक्ट्रिसिटी का, एडवर्टाइजमेंट का। इसके अलावा अगर कोई नया एक्सपेंस ऐड करना है तो 98 में 12 नंबर के ऊपर हम नया एक्सपेंस का कोड ऐड कर देंगे। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे होम एक्सपेंस ऐड कर देते हैं और इंटर करके सेव कर देंगे। ये एक ही जगह से टाइटल ऑफ अकाउंट्स के सारे अकाउंट्स बनेंगे, सप्लायर्स के, कस्टमर्स के, बैंक के और एक्सपेंसेस के। रिटर्न बैक करके जब इन अकाउंट्स को आपने सिंगल सिंगल चेक करना है तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में एज अ रिपोर्ट हम इसका लेजर चेक करेंगे। लेजर ओपन करेंगे, इंटर करके यहाँ पे थर्ड टाइम इंटर करके सर्च में आ जाएंगे, नेम लिखेंगे सिंपली। जैसे उस्मान लिखा तो उस्मान ट्रेडर्स आ गया, इंटर किया तो ये उस्मान ट्रेडर का लेजर खुल गया कि ये पार्टी है जिसका 60,000 हमने देना है, क्रेडिट में आ रहा है। इसी तरीके से अगर लेजर दूसरी किसी पार्टी का देखना है, जैसे नुमान एक कस्टमर था उसको ऐड किया था, नुमान टीचर का जब लेजर देखा तो उसका अलग से लेजर आ रहा है जिसमें 4000 रुपया हमने उससे लेना है। इसी तरीके से अगर बैंक की बात करेंगे उसका भी लेजर यहीं पे शो होगा। और अगर हम ओवरऑल सारे अकाउंट्स को देखना चाहें तो उसके लिए हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, इंटर करके हम ओके पे जब इंटर करेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाएगा कि बैंक में इतने पैसे पड़े हैं। पेएबल अकाउंट यानी कि उस्मान सप्लायर है जिसको हमने 60,000 देना है। रिसीवेबल अकाउंट में हमारा एक ही कस्टमर है जिससे 4000 रुपया लेना है। तो ये तो आपके आगे अकाउंट्स की ओपनिंग बैलेंसेस और अकाउंट का ओपनिंग करना। इसके बाद आगे जो मेन वर्किंग आनी है वो ऐड रिकॉर्ड में इन अकाउंट्स को बनाने के बाद आनी है वाउचर सिस्टम की, जिसमें तीन वाउचर्स हैं हमारे पास, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट और DRCR। कैश रिसिप्ट का मतलब है कि ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा हमारी कैश बुक को, और कैश बुक का मतलब होगा काउंटर कैश जो आपका शॉप है आपके पास कैश पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम रिसिप्ट वाउचर करेंगे, यानी कि जब हमने पैसे किसी से भी लेने हैं तो वाउचर आ जाएगा, डेट आएगी, टाइप आएगी, इंटर करके नीचे आना है और यहाँ पे आके सिंपली कस्टमर का नेम दे देना है किससे पैसे लेने हैं। तो नुमान का हमने नेम दिया,
जितना बैलेंस उससे लिया है आज वो हम यहाँ पे लिख के बता देंगे कि बाय हैंड लिया है या कैसे लिया है। तो यहाँ पे हम रेफरेंस लिख सकते हैं और इंटर करके सेव कर देंगे। तो ये जो नुमान से 2000 लेके वो जो हमने सेव कर दिया, इसकी एंट्री दो जगह पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जो हम एंट्री सेव कर देंगे, एक तो नुमान के लेजर के अंदर, यहाँ पे नुमान के लेजर में 4000 लेना था, 2000 ले लिया, रिमेनिंग उसका बैलेंस रह गया 2000। और दूसरी साइड पे हमारे पास पैसे जहाँ पे जमा होंगे कैश बुक के अंदर, जो हमने इंटर इंटर करके कैश बुक ओपन किया, तो यहाँ पे इसने दिखाया कि हमारे पास 0 बैलेंस था पहले, नुमान की तरफ से 2000 कैश आ गया, तो हमारे पास टोटल बैलेंस इस टाइम कैश में 2000 पड़ा हुआ है। अब अगर हम किसी को भी पे करेंगे कैश के थ्रू, तो फिर कैश पेमेंट वाउचर करेंगे, इंटर 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 करके यहाँ पे सर्च करके उस सप्लायर का नेम दे देंगे। तो यहाँ पे स्मार्ट ट्रेडर्स लिया, उसका नेम, एड्रेस और ऊपर बैलेंस, तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई पेमेंट वाउचर के अंदर। हमने इसको जो 2000 कैश आया था वो दो ही हमने इसको पे कर दिया बाय हैंड कैश के तौर पे। तो ये हमने पेमेंट वाउचर जैसे सेव किया, ये हमारी कैश बुक में से ने इंटर इंटर करके कैश को खोली तो 2000 आया था, 2000 उस्मान को चला गया, बैलेंस क्या हो गया कैश में 0। और जिसको हमने पैसे दिए हैं उसके लेजर के अंदर हम यहाँ पे चेक करते हैं स्मार्ट ट्रेडर्स के, तो वो दिखा रहा है कि 60,000 हमने उसका देना था, 2 दे दिया है और रिमेनिंग 58,000 उस्मान का रह गया है बैलेंस। तो ये थे कैश के वॉचर्स जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं कैश बुक पे। अब अगर हम बात करें बैंक वॉचर्स की, तो उसके लिए DRCR वॉचर में जाएंगे, इंटर इंटर करके जिस भी पार्टी को पेमेंट देनी है वो पार्टी का नेम हम यहाँ पे डेबिट कोड में सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे उस्मान मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसका बैलेंस हमारे पास शो हो गया कि 58,000 हमने इसका देना है। देना कहाँ से है वो हम अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा बैंक हो सकता है, जैस कैश हो सकता है, वो सारे अकाउंट 01 ग्रुप में ही बनने हैं। तो हमसे भी बैंक सेलेक्ट किया कर लिया यहाँ पे, और बैंक में 5 लाख पड़ा है। बैंक से हमने इस पार्टी को 20,000 रुपया दे दिया, वो ऑनलाइन दिया है, तो ऑनलाइन का स्लिप नंबर लिख देंगे साथ में, और अगर हमने उसको बाय चेक दिया होगा तो फिर यहाँ पे चेक नंबर भी लिख सकते हैं और एंट्री करके सेव कर देंगे। बैंक अब क्रेडिट हो गया और कस्टम सप्लायर जो आपका था वो डेबिट हो गया। इसमें कैश बुक का कोई लिंक नहीं आया, तो जब आप लेजर चेक करेंगे वो बैंक का चेक करेंगे। MCB का लेजर चेक किया तो 5 लाख पड़ा था, ऑनलाइन हमने कर दिया 20,000, तो 4,80,000 हमारा बैंक के अंदर बच गया। और यही चीज़ ने जिस पार्टी को दी है उसके लेजर में भी चेक करेंगे, तो उस्मान ट्रेडर्स के लेजर में चेक किया तो हमने 60 देना था, 2 कैश दे दिया था, 20 ऑनलाइन दे दिया, यानी कि 22 हम दे चुके हैं और बकाया 38,000 इस पार्टी का भी रिमेनिंग रहता है। तो यहाँ तक हमारे हो गए 3 वॉचर्स क्लियर, कैश रिसीविंग, कैश पेमेंट और बैंक वॉचर्स के। अब अगेन आते हैं मास्टर में, और अब आते हैं इन्वेंट्री साइड पे कि हमने अगर इन्वेंट्री ऐड करनी है तो उसके लिए कैटेगरी और आइटम प्रोफाइल हमने कैसे बनानी है। कैटेगरी का मुराद होता है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल लेयर्स है, ड्रिंक्स हैं कोई भी, तो उसके लिए सबसे पहले कैटेगरी बनानी जरूरी है। जैसे स्नैक्स, स्नैक्स कैटेगरी में सारी आपके लेयर्स, सलांटी, जो भी स्नैक्स के रिलेवेंट चीज़ें हैं वो सारी एक कैटेगरी में आ जाएंगी। ड्रिंक्स कैटेगरी आ जाएगी जिसमें सारी बेवरेजेस आ जाएंगी, यानी कि पेप्सी, कोक, स्टिंग वगैरह सारा कुछ। इसके अलावा बिस्किट्स आ जाएंगे, बिस्किट कैटेगरी आ जाएगी। इसके अलावा निम्को कैटेगरी अलग कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा सिगरेट वगैरह, ठीक है, वो अलग से हम कैटेगरी बना सकते हैं। और मज़ीद जितनी भी कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे सिंपली ऐड करते जाना है, कोड ऑटो जनरेट होता जाएगा और उसके अंदर हम सिंपली चीज़ों के नेम बना के सेव करते जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई फास्ट फूड है या कोई भी कैटेगरी है, तो आइटम का यहाँ पे कैटेगरीज ऐड करते जाएंगे और सेव करते जाएंगे। अब इन कैटेगरीज के अंदर उन प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करना है उसके लिए मास्टर आइटम प्रोफाइल खोलेंगे, ऐड न्यू बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास स्कैनर की ऑप्शन आ जाएगी कि हम यहाँ पे बारकोड को स्कैन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जब हम स्कैनर से स्कैन करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से एक कोड आ जाएगा पार्टी का, यानी कि प्रोडक्ट का। तो उस कोड पे इंटर करने पे हमारे पास यहाँ पे आइटम का नेम आ जाएगा कि हम यहाँ पे लिख देंगे कि क्या चीज़ बना रहे हैं, वो है लेस, कौन सी है वो बेबी है, कितने वाली है, वो हम इंटर इंटर करके नीचे आके सेल रेट में बताएंगे कि ये 60 वाली है, होलसेल में भी 60 लिख दें, इंटर करें, परचेज रेट में लिखें कि आपको कितने में आ रही है, इंटर इंटर इंटर। डिमांड लेवल होता है कि कम से कम कितनी आपके पास होनी चाहिए, हमने कहा जी 20 होनी चाहिए हर टाइम शॉप पे, स्टॉक का मतलब है अभी पड़ी कितनी है। तो अभी हमारे पास 60 पीस पड़े हैं,
इसका मतलब वो 3420 रुपए के स्टॉक बने। अगर उसकी एक्सपायरी लिखनी है तो साथ में एक्सपायरी डेट लिख देंगे, और कैटेगरी में आके यहाँ पे जीरो कैटेगरी करके एंटर कर देना है। और कैटेगरीज में ये वही सेम कैटेगरीज आएगी जो अभी हम पीछे ऐड करके आए हैं। तो इसमें से हम यहाँ से स्नैक्स कैटेगरी लेके इंटर 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 करके सेव कर देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट भी ऐड हो गई और साथ में उसका ओपनिंग स्टॉक भी हमने ऐड कर दिया जितना हमारे पास पड़ा हुआ था। एक प्रोडक्ट है ऐसे ही, कोई और रैंडम आइटम हम स्कैन करेंगे उसमें हमारी ड्रिंक वगैरह आ जाएगी। जैसे कोक है, कोक का टिन लिख लें, वो कितने एमएल वाला है वो लिख लें साथ में, ठीक है। उसके बाद उसका प्राइस लिख दें कि वो कितने में सेल करना है हमने, हमें कितने में आ रहा है, और इसके बाद कितने होने चाहिए हमारे पास शॉप के ऊपर और पड़े कितने हैं उतना स्टॉक लिख के स्टॉक में एंटर इंटर करके इसकी कैटेगरी भी हम यहाँ पे जीरो करके चेंज कर देंगे। जीरो से सर्च आ जाती है और सर्च में हम ड्रिंक्स कैटेगरी सेलेक्ट करके इसको उसमें सेव कर देंगे। ये वो प्रोडक्ट्स आ गए जिनको हमने विद स्कैनर स्कैन किया है। अगर कोई मैनुअल प्रोडक्ट ऐड करनी पड़ती है, जैसे कोई छोटी पैकिंग हम खुद बना लेते हैं निम्को वगैरह की, उसके लिए हम मिनिमम 4 डिजिट का कोई ना कोई कोड बना सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे N001 का मतलब है निम्को, और 001 जस्ट एक रेफरेंस नंबर दिया। यहाँ पे हमने उस प्रोडक्ट का नेम दे दिया कि निम्को 250 ग्राम है या कितने ग्राम वाली है, ये प्रोडक्ट नेम आ गया। और इसकी क्या प्राइस है, 50 रुपये में हम सेल करते हैं, हमारी कॉस्टिंग है 35 रुपये की। हमारे पास स्टॉक में पड़ी हैं 20, और ये एक्सपायरी डेट के साथ हम इसको लिख देंगे कि फॉर एग्जांपल आज 8 तारीख है, तो ये हमारी 15/10 को एक्सपायर हो जाएगी। और उसके बाद इसकी कैटेगरी भी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो इसको हम निम्को कैटेगरी में ऐड कर देंगे। इसी तरीके से अगर कोई और फास्ट फूड आइटम्स है, सैंडविच है, तो सैंडविच का भी यहाँ पे सिंपली SD01 कोई भी कोड बना सकते हैं। SD जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए लिखा सैंडविच, और यहाँ पे आप नेम दे देंगे क्लब सैंडविच, और उसके बाद उसका रेट लिख देंगे कि वो कितने में सेल करते हैं, हमारी कॉस्टिंग कितने की है उसको बनाने की, वो कॉस्ट परचेज रेट में डाल देंगे, और जितने भी हमारे पास अभी रेडी पड़े होंगे वो स्टॉक में लिख के और विद एक्सपायरी उसकी हम लिख देंगे कि ये कब एक्सपायर होगा, और जिस कैटेगरी में उसको रखना है वो कैटेगरी ले लेंगे। तो ये आ जाएगा फास्ट फूड कैटेगरी में, एंटर एंटर करके सेव कर दे। तो हमने डिफरेंट 4-5 आइटम्स ऐड किए हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, और यहाँ से रिटर्न बैक करके अब ये जो स्टॉक्स ऐड किए थे इसको हम चेक करना चाहें तो स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड में जाके चेक करेंगे, इंटर 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 करके ओके करेंगे। तो हमारे पास पूरा एक कैटेगरी का डिटेल आ गई कि स्नैक्स में हमारे पास लेस पड़े हैं 60 इतनी वैल्यू के, ड्रिंक्स में टिन पड़े हैं 50 इतनी वैल्यू के, निम्को में 250 ग्राम वाली निम्को 20 पड़ी हैं 700 की, और फास्ट फूड में क्लब सैंडविच पड़े हैं 5 एक 1100 के। टोटल देखें तो हमारे पास 10,720 रुपये का स्टॉक ये सारा पड़ा हुआ है। अब इन्हीं प्रोडक्ट्स को आगे जब हमने सेल करना है तो उसके लिए हम एड रिकॉर्ड में जाएंगे और सेल इनवॉइस करेंगे। ये है होलसेल की इनवॉइस जब कोई उधार लेके जाएगा तो उसके लिए, और ये है काउंटर कैश की इनवॉइस यानी कि जो कैश पे चीज़ लेके जाएगा उसके लिए। काउंटर कैश पे पहली सेल की एंट्री डाल लेते हैं। यहाँ पे हमने एड न्यू किया, एंटर किया, अगर और प्रोडक्ट स्कैनर वाली है तो उसको जस्ट स्कैन कर लेंगे यहाँ पे बार कोड में, अगर स्कैनर नहीं है तो फिर क्वेश्चन मार्क लगा के शिफ्ट के साथ यहाँ पे एंटर कर देंगे, तो वही सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे लिस्ट में शो हो जाएंगी। तो हमने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ले लिया कि हमने लेस सेल की है, ये पड़ी कितनी है वो भी हमें साथ में यहाँ पे शो हो रहा है कि 60 क्वांटिटी हमारे पास पड़ी हुई है, हमने 5 सेल की, 60 रुपये के हिसाब से ये बिल बन गया 300 का। इसके साथ उस बंदे ने क्या लिए थे, 3 पैक लिए हैं, 2 लिए हैं, ये 50 पड़े थे, 2 सेल किए तो ये बन गए 240 के, टोटल बिल हमारा बन गया 540 का। इसमें मल्टीपल जितनी मर्जी एंट्रीज ऐड करते जाएं यानी कि जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स इसमें ऐड करते जाएं। उसके बाद जब हमारा बिल फाइनल हो जाएगा तो हम जस्ट यहाँ पे इंटर करेंगे। कैश और चेंज का मतलब होता है कि कस्टमर ने आपको कितने पैसे दिए और आपने उनको बकाया कितने देने हैं। तो हमारा 540 का बिल था, 1,000 रुपये कस्टमर ने दिया, 460 हम बकाया देंगे। इंटर करने पे अगर हम प्रिंट प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट प्रिंटर को कमांड चली जाएगी, और अगर हम प्रिव्यू करेंगे और बिल नंबर पर इंटर करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ये जो बिल है वो प्रिव्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा एक बिल बन के आ जाएगा, और उसके ऊपर ये डिटेल आ गई कि हमारा इतना ये यानी कि बिल है और ये हमें कैश मिला था, इतना हमने चेंज दिया, इस डेट को ये बिल बना है, बिल नंबर 1 है। तो यहाँ से हमारा बिल बन के सेव हो गया।
जब हमने इस बिल की यानी कि काउंटर वन या टू की जो भी सेल होगी उसको रिकॉर्ड में चेक करना है, तो शाम में एक दफ़ा हमने क्लोजिंग से पहले, रिपोर्ट देखने से पहले यूटिलिटी में जाके एच नंबर पे लिखा होता है काउंटर सेल ट्रांसफ़र टू प्रोग्राम, इसको प्रेस करना है, ओके बटन प्रेस करना है और यहाँ पे मैसेज पढ़ लेना है कि क्या है, डाटा अपडेटेड इनटू मेन प्रोग्राम। ओके, अब हम चेक कर सकते हैं सेल रिपोर्ट्स, डेली सेल, काउंटर वाइज, आइटम वाइज, मंथ वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज, जैसे मर्जी रिपोर्ट चेक कर लें। सिंपली डेट देनी है उस दिन की जिस दिन की भी रिपोर्ट देखनी है। अगर वीक की रिपोर्ट देखनी है तो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट वीक की दे देंगे, अगर मंथ की देखनी है तो तब भी स्टार्ट डेट और एंड डेट मंथ की दे देंगे। एंटर इंटर करके ओके करेंगे तब भी रिपोर्ट खुल जाएगी। ये दरमियान में भी सारी रिपोर्ट्स हैं, कसर ओके पे आने के बाद आप दरमियान वाली भी कोई भी रिपोर्ट देख सकते हैं। ओके करने पे यहाँ पे आ जाएगा कि हमारे पास बिल नंबर वन था जिसमें स्नैक्स में से 5 लेज 300 की और 2 टीन 240 की, यानी कि 540 की चीज़ें हमने सेल की हैं। अगर यही डेली सेल में हम बिल वाइज देखना चाहते तो फिर हमने यहाँ पे इंटर इंटर करके ये जो हमारे पास सबसे लास्ट पे ये रिपोर्ट लगी थी इनवॉइस वाइज बिल डिटेल रिपोर्ट, ये कॉल लेनी थी, तो इसमें आ जाना था कि बिल नंबर वन में ये चीज़ 5 और 2 3 पैक यानी कि 540 का आपका बिल था। और अगर इसकी प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाह रहे हैं तो सेल में प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट ले लेंगे। यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज भी प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं और आइटम वाइज भी। तो कैटेगरी से ये पता चल जाता है कि स्नैक्स में कितना प्रॉफिट हो रहा है या ड्रिंक्स में कितना हो रहा है, और ओके करने पे वो ओवरऑल हर आइटम का दिखा देगा कि वे भी हमने जो 5 सेल किए हैं उसमें हमें 15 रुपये प्रॉफिट हुआ है, टिन हमने जो 2 सेल किए हैं उस पर 20 रुपये प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 540 की सेल के ऊपर हमारा 35 रुपये का आज टोटल प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और ये जो चीज़ें हमने सेल की थी ये ऑटोमेटिकली हमारे स्टॉक से भी कम हो चुकी हैं। तो स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक इन हैंड जब हमने ओपन किया तो ये दिखा रहा है कि हमारे पास वे भी अब रह गए हैं 60 में से 5 कम हो के 55 और टिन पैक 50 में से 2 कम हो के 48। यहाँ पर हमेशा क्लोजिंग स्टॉक आएगा कि इतना रिमेनिंग है। अगर हम वो देखना चाहें कि हमने शुरू में रखे कितने थे, बेचे कितने और बकाया कितने हैं, तो फिर हम स्टॉक रिपोर्ट में ओपनिंग सेल रिसिप्ट रिपोर्ट लेंगे, मंथ की स्टार्ट से ले लेंगे और इंटर 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 करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है कि हमारे पास वे भी 60 आए थे, 5 बेच दिए हमने और ये 55 स्टॉक में पड़े हैं। ऐसे ही टिन पैक 50 आए थे, 2 बेचनी हैं और 48 हमारे पास स्टॉक में पड़े हैं। इस तरीके से ये आपको कंप्लीट एक रिपोर्ट मिल जाती है स्टॉक की। आइटम वाइज भी स्टॉक देख सकते हैं, ओपनिंग सेल वाइज भी, स्टॉक इन हैंड वाइज भी और स्टॉक लाइक कैटेगरी वाइज भी। इसी तरीके से सेल में भी डेली सेल, काउंटर वाइज, आइटम वाइज, ये सब रिपोर्ट्स लगी हैं, हम सब रिपोर्ट्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसके बाद हम अगर वापस आते हैं तो हमारे पास दूसरी सेल थी सेल इनवॉइस, यानी कि अगर हम उधार सेल करते हैं किसी भी पार्टी को या किसी भी कस्टमर को, तो उसका यहाँ पे नेम सेलेक्ट करेंगे जैसे नुमान टीचर है, और इंटर इंटर करके यहाँ पे हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली। हम यहाँ से निम्को के 2 पैकेट या 5 पैकेट उनको सेल कर देते हैं, 50 रुपये में सेल किए, 250 का बिल बना, और इंटर इंटर करके अगर कोई डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे डिस्काउंट दे देंगे। अगर वो कहता है कि ये 250 रुपया मेरे पास अभी नहीं है कुछ भी कैश, ये मेरे अकाउंट में डाल दें, तो यहाँ पे हम 0 बैलेंस लिखेंगे। अगर वो अभी कैश दे के चला जाता है तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली हम 250 रुपया लिख के उससे उतनी रिसीविंग कर सकते हैं, या अगर वो थोड़े पैसे दे देता है और बाकी कहता है मेरे लेजर में डाल दें तो बाकी हम उसके लेजर में डाल देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपये हमने ले लिया, 150 रुपये इस बिल का वो क्या बच गया, तो उसका प्रीवियस जो बैलेंस था वो 2000 था, तो इस 250 में से 100 ले लिया हमने। जब हमने बिल प्रिंट किया तो इसमें वो पूरी डिटेल दिखा देगा कि आपका 250 का बिल था, आपने 100 रुपये ले लिया, 150 रुपया बचा आपका बिल का, और 2000 जो पुराना था उसमें 150 रुपये ऐड होके अब टोटल पार्टी का 2150 रुपये का बिल है, यानी कि ये इस बंदे को पता चल जाएगा बिल में ही कि मेरा टोटल कितना उधार हो चुका है, और यही चीज़ उस पार्टी के लेजर में भी चली जाएगी। वो बेशक लेजर शॉर्ट ले लें या लेजर डिटेल ले लें, यहाँ पे आप पार्टी का नेम लिखेंगे और वो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि प्रीवियसली हमने इसका 4000 लेना था, 2 ले लिया था, 2 रिमेनिंग था, उसके बाद हमने इसको एक बिल बना के दिया था 250 का जिसमें से 100 ले लिया था, 150 बचा था इसमें से, और वो 150 और 2000 जमा करके 2150 रुपये अब हमारा इस पार्टी का बैलेंस है लेने वाला। वो बाद में अगर ऐसा कैश ही देने आ जाता तो वो सिंपली कैश से वाउचर डाल के हम इंटर इंटर करके इससे रिसीव कर लेंगे। तो
वो 150 रुपये या जो भी एक्स्ट्रा पैसे भी थे वो यहाँ से रिसीविंग कर लेंगे। ये पार्टी से रिसीविंग हो गई, और कैश रिसिप्ट से ही हम काउंटर की भी सेल को रिसीव करेंगे। जो भी डेली की काउंटर की सेल होगी वो यहाँ पे कैश काउंटर में जमा हो जाती है। तो ये कैश काउंटर में देखें 540 की सेल जो हमने की थी वही यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। ये भी हम यहाँ से रिसीव करके इसको काउंटर को भी क्या जीरो कर देंगे, यानी कि डेली हम काउंटर को काउंटर 1 या 2 जो भी यूज कर रहे हैं उसको जीरो कर देंगे कि इतनी सेल आज की थी, ये उठा ली हमने सारी काउंटर से, काउंटर आज जीरो हो गया। और ये पैसे सारे जमा कहाँ पे हो गए, कैश के अंदर। जो हमने सेल के टाइम पे पहले 100 रुपया ले लिया था अनुमान से वो भी आ गया कैश में, जो बाद में उससे 150 लिया वो भी आ गया, और जो काउंटर की सेल उठाई है 540 की वो भी आ गई। तो टोटल 790 रुपये हमारे पास सिस्टम हमारे कैश में जमा हो गए हैं। तो इस तरीके से ये सेल्स हमारे पास दो लगी हैं, होलसेल वाली और काउंटर वाली। इसके अलावा परचेजिंग साइड पर भी जाते हैं, नीचे हमारे पास वाउचर एडिटिंग भी लगी है, परचेज इनवॉइस एडिटिंग भी है, होलसेल इनवॉइस एडिटिंग भी है, और इसके अलावा रिटर्न्स भी हैं। अगर काउंटर्स के ऊपर रिटर्न होती है तो वो हम काउंटर के ऊपर ही रिटर्न डाल सकते हैं। जैसे अगर कस्टमर कोई कह देता है कि मुझे 2 क्लब सैंडविच दे दें, 2 की हमने एंट्री डाल दी तो हमारा 500 का बिल बन गया, वो कहता है इसमें से 1 क्लब सैंडविच वापस रख लें, तो वही प्रोडक्ट को दोबारा स्कैन करके माइनस साइन के साथ क्वांटिटी उतनी डाल देनी। अगर बिल कैंसिल करना है तो 2 क्लब सैंडविच थे तो यहाँ पे -2 कर देंगे, बिल पूरा जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही वापस हुआ है तो -1 करके इंटर करेंगे, और ये देखें -250 की रिटर्न हो गई, यानी कि एक ही हमारा क्लब सैंडविच ऐड हुआ है और वो 250 का है। और इसके बाद जब हम इसको यहाँ से प्रिंट कर लेंगे तो हमारे पास उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि हमने ये चीज़ 1 ऐड करवाई है इसके अंदर, और यही चीज़ स्टॉक में हमारी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी काउंटर सेल ट्रांसफ़र के बाद कि हमने क्लब सैंडविच जोन सा था। अगर मैं इसको आपको आइटम वाइज दिखा देता हूँ कि हमने क्लब का आइटम वाइज लेजर लिया कि हमने 5 रखे हुए थे, 2 हमने सेल किए, फिर उसमें से 1 रिटर्न हो गई थी, तो प्राण जो बकाया हमारे पास बचे हुए हैं वो 4 ही बचे हुए हैं, सेल हमारा एक्चुअल में 1 ही हुआ है। तो ये काउंटर के ऊपर ही हमारी रिटर्न हो जाती है। इसका परचेज इनवॉइस है, इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ पे डेट आ जाएगी, हम यहाँ पे सप्लायर का नेम बता देंगे, हम किससे खरीद रहे हैं, तो वो हमने स्मार्ट ले लिया। ऑटो बिल हमारा सिस्टम का बनेगा, पार्टी बिल नंबर का मतलब है कि जो भी पार्टी की साइड से बिल नंबर आया है वो यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे आइटम को स्कैन कर लेंगे। और फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट हमने स्कैन कर ली, हमारे पास 30 3 पैक और आ गए हैं, जो भी नया रेट आया है उस रेट के हिसाब से हम उसकी परचेजिंग डाल देंगे और इंटर इंटर करके सेव कर देंगे। इसकी ऑटोमेटिकली जो परचेजिंग रेट है वो एवरेज रेट में चेंज होता जाएगा, और जो चीज़ हमने खरीदी है वो पार्टी के लेजर में भी आ जाएगी। यहाँ से हमने अगर स्मार्ट ट्रेडर्स का लेजर खोला तो उसके लेजर में शो हो गया कि हमने ये चीज़ इस रेट में इतनी क्वांटिटी 3400 का हमने इससे मुजीद खरीद लिया है, 38,000 हमने इसका यानी कि देना था, उसमें 3400 भी ऐड करके 41,450 रुपये देने हैं। और परचेज के अंदर भी अगर हम देखें तो डेली परचेज वाइज सप्लायर वाइज वहाँ पर रिपोर्ट्स बन जाएंगी। 8, 10, 2024 के हम डेट देने के बाद जब ओपन करेंगे ये दिखाएगा कि हमने ओपनिंग में अपना कितना स्टॉक डाला था जो भी हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था, और उस्मान से हमने कौन सी चीज़ और कितनी खरीदी है, और टोटल पूरे दिन की हमने कितने की परचेजिंग की है। और ये चीज़ जो हमने खरीदी थी वो स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड में जमा हो गई है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पैक देखें 78 हो गए हैं, यानी कि 30 3 पैक हमारे पास मजीद इसके अंदर ऐड हो गए हैं। तो ये परचेज की भी डेली परचेज आइटम वाइज मंथ वाइज सप्लायर वाइज ये सारी रिपोर्ट्स लगी हुई हैं, तो यहाँ से हम इनकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट यानी कि डिटेल है, इसमें एडिटिंग और जो रिटर्न्स हैं ये हम जो ट्रेनिंग सेशंस होंगे उनमें कंप्लीट ज़रा डिटेल से इनको मज़ीद डिस्क्राइब करेंगे। और बाकी ये सारी रिपोर्ट्स हैं, ट्रायल आ जाता है, बैलेंस शीट आ जाती है, बैलेंस शीट में आपको ये पता चल जाता है कि आपका किससे कितना कैश लेना है, किसका कितना देना है, कितना बैलेंस है, कितने वैल्यू का स्टॉक आपके पास पड़ा है, और आपका टोटल प्रेजेंट बिजनेस वैल्यू कितनी है। तो ये तो अभी हमने रफ डाटा डाला है, तो उस हिसाब से सिर्फ 140 रुपये का प्रेजेंट बिजनेस वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन जब एक्चुअल डाटा डालेंगे तो ये हमारा प्रॉपर यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा। इसी तरीके से परचेज रिपोर्ट्स हैं, सेल रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक रिपोर्ट्स हैं, और इसमें यूज़र राइट्स भी हैं, बैकअप ऑप्शंस हैं, तो यूज़र भी हम बना सकते हैं अपनी मर्जी से, यूज़र्स को हम चीज़ें अलॉट कर सकते हैं कि वो क्या क्या काम कर सकता है सेल या परचेज के रेलिवेंट। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो सॉफ्टवेयर के रेलिवेंट तो आप नीचे डिजिटल सॉफ्टवेयर के इन 2 नंबर्स में से किसी भी नंबर पे कॉल
प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रिया।